I think it's always a treat to watch two great actors sit and, you know, discuss cinema, Shakespeare and lots of other issues. It was lovely. It was really engaging and very entertaining. वो तो आमिर बताएंगे. एज यू सेड, ही नीड्स टू बी कंफर्टेबल विद द डायरेक्टर एंड ही नीड्स टू बी ऑन द सेम पेज एज फार एज एस्थेटिक्स एंड सेंसिबिलिटीज आर कंसर्न. तो इट्स अप टू हिम टू डिसाइड, बट ऑफकोर्स इफ देयर इज अ ग्रेट स्क्रिप्ट देन आई वुड डेफिनेटली गो टू आमिर एंड इफ ही एग्रीज विद माई विजन आई एम श्योर वील बी एबल टू वर्क टुगेदर. जी अभी जुलाई में मैं एक फिल्म शुरू कर रहा हूँ सलमान के साथ. उसमें है एक बैकड्रॉप, इंडो चाइना बैकड्रॉप, और उसके ज़्यादा फिल्म के बारे ज़्यादा नहीं बता सकते बिकॉज नेक्स्ट मंथ हम फुल अनाउंसमेंट करेंगे. बस इतना बता सकते हैं कि जुलाई में शुरू कर रहे हैं और लद्दाख में शूट कर रहा हूँ मैं पहला शेड्यूल. मेमोरेबल आई थिंक यही है कि अब मतलब एक दो घंटे के लिए आप बैठ के आप सुन सकते हैं दो बेहतरीन एक्टर्स अपना क्राफ्ट डिस्कस कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस डिस्कस कर रहे हैं फिल्म्स और थिएटर के बारे में. उनसे अलग अलग सवाल पूछे ऑडियंस ने कि वो कैसे अपने क्राफ्ट को अप्रोच करते हैं. तो टू बी एबल टू हेयर सच टैलेंटेड आर्टिस्ट टॉक अबाउट देयर क्राफ्ट इज वाज अ ट्रीट. मैं मेरे दिल में एक सवाल था जो वैसे किसी और ने पूछ लिया था तो वो डिस्कस हो गया था. मैं बस ये पूछना चाहता था कि कभी कभी एक्टर एक 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 कैरेक्टर के बारे में एक कुछ सोचते हैं, उनके जहन में एक अपना कैरेक्टर क्रिएट करते हैं और कभी कभी वो अगर डायरेक्टर के साथ क्लैश करे तो फिर वो क्या करते हैं, अपने आप को रीअलाइन कर सकते हैं और यू नो फाइनली डायरेक्टर के विजन को सकम करते हैं या फिर यू नो उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है. बट वो उसके बारे काफ़ी डिटेल में उन्होंने बात करी. नहीं, मैं एज एन एक्टर तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन हाँ अल्टीमेटली फिल्म में तो आई थिंक द डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप. तो जैसे उन्होंने कहा कि अल्टीमेटली एज एन एक्टर दे हैव टू गिव व्हाट द डायरेक्टर वांट्स, और कभी कभी उनको दिक्कत हो जाती है अगर बिल्कुल ही विजन्स में बहुत एक डिस्पैरिटी हो, लेकिन ज़्यादातर अगर वो डायरेक्टर के साथ एक टेक हिम इनटू कॉन्फिडेंस देन आई थिंक दे एबल टू क्रिएट द सेम विजन. जी वो तो स्क्रिप्ट पे डिपेंड करता है. जैसे मैंने कहा कि मतलब शेक्सपियर तो वैसे भी उनकी जो बॉडी ऑफ वर्क है सिर्फ एक शेक्सपियर को की कहानी को आप अगर अडेप्ट करें तो ज़रूरी नहीं है कि आप उनके वर्क को अडेप्ट कर रहे हैं. उनकी हर ड्रामेटिक सीन में कहीं ना कहीं एक शेक्सपियर का एक इन्फ्लुएंस है क्योंकि हमने बचपन में पढ़ा है, सब पढ़ते हैं, और जैसे अभी बात हो रही थी सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस शेक्सपियर का रहा है सारे क्रिएटिव आर्ट्स में. तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हमेशा वो इन्फ्लुएंस रहता है और हमेशा रहेगा. एक नाम अगर जानना चाहेंगे आपके हिसाब से कौन सी फिल्म बनाना चाहूँगा, मैंने इसके बारे में तो सोचा नहीं है, लेकिन मैं जो बनी है जो विशाल ने बहुत बेहतरीन तीन फिल्में बनाई हैं ओमकारा, मकबूल, हैदर, वो तीनों आई थिंक एक बहुत ही ड्रामेटिक मटेरियल है और एज अ फिल्म मेकर आई एंजॉयड वॉचिंग देम. नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है. एक जब डायरेक्टर एक स्क्रिप्ट को लेता है या किसी स्टोरी को लेता है, एक एक विजन लाता है. सिर्फ एक कहानी लेना उस आसान नहीं होता कि आपने कहानी ली और दो कैरेक्टर्स डाल दिए. एक हर चीज़ में एक डायरेक्टर एक विजन लाता है किस तरीके से वो कैरेक्टर्स को पिच किया जाएगा, किस तरीके से वो लोकेशंस क्रिएट करे जाएंगे. स्पेशली अडेप्टेशन में विशाल ने जो किया है वो अडेप्टेशन है, वो डायरेक्ट लिफ्ट नहीं है. तो ऑब्वियसली इसमें एक बहुत सोचना पड़ता है कैसे हमारे कॉन्टेक्स्ट में उसको, जैसे हैदर को उन्होंने कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में सेट किया है, तो उसमें एक बहुत सोच समझ जाती है. थैंक यू. फॉर मोर न्यूज एंड गॉसिप डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बॉलीवुड हेल्पलाइन.